Hello. तो लोग कहते हैं अरे यार तुम बिल्कुल मोदी जी की पिक्चर बना रहे हो, तुम तो भक्त हो। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं भक्त नहीं, देश भक्त हूं। जो देश के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है, करेक्ट है कि नहीं? जो देश के लिए अच्छा है वो अपने लिए अच्छा है कि नहीं? हमारी फिल्म में एक डायलॉग है, शाम हो जाए जी, फिल्म का डायलॉग चाचा आप बोलिए, आइए हम सिखाते हैं आप। साइलेंस में भैया वो कॉफी वाले अंकल, इसमें कुछ कूल डायलॉग्स भी हैं और उसमें से एक डायलॉग जो मुझे काफी पसंद है, खासकर जब ये पुलवामा का अटैक हुआ और उसके बाद जो हमने बालाकोट में नॉन सीजनल दिवाली मचाई है, बैंड बजा दी टेररिस्ट की, तो उस पर एक डायलॉग है जो मोदी जी कहते हैं शांत हो जा पुत्र, चेतावनी देता हूं मैं पाकिस्तान को, अगर दोबारा हम पर हाथ उठाया तो हाथ काट देंगे। तुमने हमारा बलिदान देखा है, अब बदला भी देखोगे कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, तो 11 अप्रैल को जिद्दोजहद करके आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जो मुझे लगता है कि आप लोगों की प्रेयर्स, आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों के गुड विशेस से हम आज जीत जाएंगे। मेरा दिल कहता है कि हम आज जीत जाएंगे यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आया हूँ यहाँ से सारी गुड वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्स लेके जाऊंगा बाहर और मुझे न्यूज, गुड न्यूज मिलने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जीत गए। 11 अप्रैल को जाके हमारी फिल्म जरूर देखना यार। चलो यार बहुत बढ़िया। अरे एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चंस? सर 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 मैं टीचर आपके सर, एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है आपका कि दादा साहब आप सर आरजे सर जी सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, सर प्लीज नॉर्मल हिंदी में बात कीजिए आप सर, मैं आप खाते और ये सब बोलते रहे तो आपने मुझे ना शारदा यूनिवर्सिटी में प्रपोज करने का अंदाज बदल जाना चाहिए। क्या हुआ? जब आप किसी को पूछें कि यू वांट टू गो आउट विद मी, यू वांट टू गो ऑन अ डेट, और वो बोली मैं सोचती हूँ, तो बोला जो डिसीजन एक मिनट में नहीं होता वो बताया। भैया देखो, लेकिन मैं इसमें कोई डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं पहले थप्पड़ ना लगे इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, अपने बलबूते पे करना। बट कूल डायलॉग है यार, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में डिसीजंस क्विकली लेने चाहिए, नहीं तो नॉर्मली जो हम देखते हैं गवर्नमेंट में 5 वर्षीय योजना चलते रहती है, 50 वर्षीय योजना चलते रहती है, तो वी शुड हैव क्विकर डिसीजन मेकिंग, है नहीं? है कि नहीं? हाँ, एनीबडी एल्स, एनी अदर डायलॉग, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ बोलो सर। मोदी की तो मूवी बन गई, पर आप सर बीजेपी का ज्वाइन कर रहे हैं? बाप रे, इस वक्त इतना कीचड़ मुझ पे फेंका जा रहा है कि मुझे लग रहा है मुझे भी कमल की तरह उगना पड़ेगा। या तो रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए मैं बता दूं, जब सुनामी, आप लोगों को याद है या आप बहुत छोटे थे जब सुनामी हुई थी हिंदुस्तान में, ये तो याद है तब जब तमिलनाडु में सुनामी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था दक्षिण भारत में, तो
वहाँ पे गांव को गोद लिया था मैंने, अडॉप्ट किया था एक गांव को और उसको पूरा का पूरा पुनर्निर्माण किया था, रीबिल्ड किया था पूरे गांव को, और करीबन 750 परिवारों के लिए घर बनाए, एक अनाथालय बनाया, बच्चों के लिए स्कूल बनाया। अकेले मैंने नहीं किया, मैंने पहल रखी और आप जैसे बहुत सारे कूल लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। उस समय भी वॉलंटियर्स की सेना थी, पूरे कॉलेज स्टूडेंट्स की सेना थी जिन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। तो मुझे याद है कि उस समय जब पॉलिटिशियंस फाइनली उस गांव में आए तो मुझे लगा फाइनली कोई हेल्प करने आया, मदद करने आया और गांव के हाल पूछने आया। और वो मुझे आके कहने लगे, बॉस हमारी पार्टी से टिकट ले लो और एमपी का इलेक्शन लड़ लो। तो ये है देश के पॉलिटिकल सिनेरियो का हाल 2004 से लेकर 2009, फिर 2014 और 2019। हर इलेक्शन में रीजनल पार्टी से लेकर नेशनल पार्टीज ने मुझे टिकट ऑफर किया, इंक्लूडिंग दिस इलेक्शन। लेकिन मैं हमेशा विनम्रता से कहता हूं, भैया हम नेता नहीं अभिनेता है, लेट्स स्टे कूल, लेट्स मेक मूवीज। आपको लगता है कि अब मीडिया इंडस्ट्री में भी राजनीति की दखलंदाजी ज्यादा बढ़ गई है? अब ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है यार इसका आंसर करना। मुझे लगता है कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो हमें पीछे खींचने की कोशिश करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि इवेंचुअली इस देश में कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए यार, जिसको जो बनाए, खासकर आप लोग मीडिया करने वाले, मास कम्युनिकेशन करने वाले हो। बैठ जा भैया, पीछे से कुछ फेंक के मारा गया, एटीट्यूड देखा उसने एकदम गली बोल गया। तो या आई फील कि ये होना चाहिए, it should be easier to make films। अब मुझे बात बताइए, ये कैसा सवाल है? कौन कहेगा कि इंटरफेरेंस होना चाहिए? आओ मेरी जिंदगी में दखल दार हो। कोई नहीं कहेगा यार, नहीं होना चाहिए इंटरफेरेंस।